हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और आजकल ना बंदरों का अटैक ना कुछ ज़्यादा ही हो गया है। और अभी अभी ना बंदर ने आकर के मेरा पेड़ तोड़ दिया, और ये इसमें फ्लावरिंग भी थी। तो ये मेरा कैना लिली का प्लांट है, और ये देखिए कैसे उसने तहस नहस कर दिया। और इसमें फूल भी खिला था, आज एक फूल खिला था और दो बर्ड्स थे। तो ये देखिए किस तरीके से उसने तहस नहस कर दिया, और ये पूरी की पूरी ब्रांच जो है ना इसने तोड़ दी है। और ये बंदरों का आतंक ना कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। ये देखिए कैसे पूरी की पूरी ही मेन ब्रांच इसने तोड़ दी है। और इसमें ना नई ग्रोथ तो निकल रही है, लेकिन उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा तोड़ दिया। तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा था, और फिर भी बंदरों ने इसको तोड़ दिया है। और ये इसके ना सीड्स निकल रहे थे, तो देखते हैं इसके सीड से ग्रो हो पाता है कि नहीं होता। तो इसी में डाल देती हूँ ये। और ये मैंने ना मैच्योर भी नहीं होने दिया और इसको तोड़ दिया। खैर, आज इसे बंदर ही तोड़ देता, मैंने सुबह तोड़ दिया। और इसकी नई ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो गई है। और ये वाला, ये मिट्टी देख रहे हैं आप, तो ये वाला पौधा ना मेरा अभी पूरा का पूरा ही पलटा हुआ था, तो मैंने अभी इसे वापस से डाला है। और इधर की साइड ना ये देखिए, तो ये मेरा अमरंथस का प्लांट है। ये देखिए कितनी मोटी मोटी सी ब्रांचेस जो है ना उसने तोड़ दी हैं। और इधर बहुत ही ज़्यादा आतंक मचा दिया है इसने। और उधर से तो उसने अभी फ़िलहाल ईंट भी गिरा दी है, और बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। मंदिर में भजन वगैरह हो रहा है, कीर्तन वगैरह। तो ये देखिए पूरा का पूरा ना उन्होंने, उसने नीचे भी छेड़ा है। और ये मिट्टी भी सूख गई, इसमें पानी डालना पड़ेगा। और क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा घने घने पौधे हैं ना, तो ये देखिए किस तरीके से ने तहस नहस कर दिया है। और घने हैं ना, तो इनमें पानी ज़्यादा चाहिए होता है, और तुरंत ही सूख जाता है। जैसे इसमें मैं सुबह ही पानी डाल करके गई थी, और ये देखें किस तरीके से हो गए हैं। तो शाम हो गई और सारे फूल जो है ना मुरझा गए हैं। तो बंदरों का आतंक ना, बस मुझे तो लगा कि काफ़ी सारे प्लांट्स ना गिरा थे, लेकिन उन्होंने, उसने ऐसा नहीं किया। और इधर यहाँ पर बैठ के वो खा रहा था फूलों को तोड़ तोड़ के। तो एक ही यहाँ पर इसने गिरा दिया है। और कल पिछली बार जब आया था, तो मेरा पूरा पुदीना पलट दिया था उसने। और ये आजकल ना रोज़ ही बंदरों का अटैक हो जा रहा है। और ये जो प्लांट है ना मेरा, बस इसको ना ख़राब करे। और ये है मेरा बालसम का पौधा, और इसमें देखें बर्ड्स भी निकलनी शुरू हो गई है। तो कुछ दिनों में इसमें फ्लावरिंग भी आ जाएगी। और ये सारे के सारे प्लांट जो है ना, वो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और इसमें भी बर्ड्स हैं, तो सब में बर्ड्स निकल रही हैं। और मुझे इंतज़ार है कि ये किस कलर का फूल खिलेगा इसमें। और ओवरऑल मेरी छत फ़िलहाल ऐसी दिख रही है, क्योंकि आजकल मैं ज़्यादा काम नहीं कर रही हूँ। कुछ किसी न किसी दूसरे काम भी बिज़ी हो जा रही हूँ, तो ज़्यादा काम जो है वो गार्डनिंग में नहीं कर पा रही हूँ मैं। और ये मेरे स्नेक प्लांट में ना नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो ये मैं अपनी अम्मी के घर से लेकर के आई थी। ये दोनों ही पॉट्स में जो लगाए हैं ना मैंने प्लांट्स, वो सारे मैं वहीं से लेकर के आई थी। और ये वाला जो स्नेक प्लांट है ना, ये हमारे नेबर्स ने ना काट काट के फेंक दिया था, तो हमने उठा करके अपने एक पॉट में लगा दिया है। और ये है मेरा क्या कहते हैं, कॉपर प्लांट। तो इसकी ना जड़ें जो है ना बहुत ही ज़्यादा निकल आई थी। मैंने इसको पॉलीथीन से कवर करके आपको दिखाया था, तो ये वही है। तो इसकी जड़ें जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा निकल आई थी, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। तो ऊपर ऊपर तक रूट्स डेवलप हो गई थी, तो मैंने इसको ना प्रॉपर लगा करके और इसको खुला छोड़ दिया, ताकि ये अच्छे से डेवलप हो सके। तो अभी ये बिल्कुल भी नहीं मरेगा। तो फ़िलहाल के लिए अभी इतना ही। तो बंदरों का आतंक ना पूरी छत को तबाह कर देता है, और देखिए कैसे लग रहा है मेरा। और मेरा जो तरबूज था ना, वो तो फ़िलहाल बच गया, और इसकी ना बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो रही है। तो अब इसको मैं या तो तोड़ लूँगी, क्योंकि देखिए तरबूज जो है ना वो इतना बड़ा हो गया है, और जो दूसरा तरबूज था ना उसकी तो ग्रोथ ही नहीं हो रही है। तो बहुत ही छोटे छोटे से हैं ये, और देखते हैं क्या होता है। और ये तरोई की बेल जो है उसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। तो मेरे बाकी सारे प्लांट जो है ना वो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। बस इस प्लांट में है ना थोड़ी सी कमी हो गई है। इसमें मैं ना कैल्शियम वगैरह की कमी हो गई है। क्या पत्तियां मुड़ने की वजह से ना, देख सकते हैं सारे पत्तियां जो है ना वो नई नई ग्रोथ जो आ रही है वो सारी मुड़े हुए पत्ते, नीचे के पत्ते ठीक हैं। तो इसमें मैं ना एग्शेल्स जो होती है ना उनको पाउडर बना करके इसमें डाल दूँगी। तो फ़िलहाल के लिए अभी इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में। और जो मैंने नए पौधे लिए हैं ना, उस उनको मैं 2-3 दिन बाद रिपोर्ट करूँगी। तो तब तक मैंने उन्हें ऊपर ला करके ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।